हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। हमारे चैनल घर संसार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के फ़ायदे गिनवाने जा रही हूँ जिसे हम आम तौर पर कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको केले के छिलके के कुछ फ़ायदे बताने जा रही हूँ। हम ये तो जानते हैं कि जो बनानाज हैं दे आर वेरी रिच इन पोटाशियम एंड कैल्शियम, लेकिन शायद ये कम लोग जानते हैं कि जो बनाना के छिलके हैं उनमें भी जो पोटाशियम और कैल्शियम कंटेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, एंड दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल। तो अगर आप बनाना के छिलके को कचरे में फेंकने के बजाय अगर आप उसको अपने फेस पे रब करेंगे तो इसका बहुत फ़ायदा आपको देखने में आएगा। स्पेशली आप अगर अपने आईज का जो एरिया है आप उस पर अगर आप बनाना के जो पील्स हैं उनको रब करेंगे, इससे आपको तीन फायदे होंगे। एक, आपके जो रिंकल्स हैं जो अपने कई बार आईज के पास जो हमें जिसे हम कई बार लाफ लाइंस भी कहते हैं उसमें आपको ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिलेगी। आपकी जो पफ़ी आईज की प्रॉब्लम है और जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और वैसे भी अगर आप केले के छिलके अपने फेस पे रब करेंगे तो जो आपकी एक्ने और ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी चली जाएगी, एंड इट विल ब्रिंग अ ग्लो टू योर फेस। एक फेस में टाइटनेस आएगी जो कि आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा आपको अपने फेस में अगर आप इसको लगातार हफ्ता दो हफ्ता आप ऐसा करेंगे। अगर आप बनाना पील्स अपने फेस पे रब करेंगे आपको जब द प्रोसेस इज दिस कि आप बनाना पील्स को अपने फेस पे रब कीजिए और इसे 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। तो एक तो फ़ायदा ये रहा कि ये एक ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पील्स का फ़ायदा है। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि जो बनाना पील्स हैं दे कैन प्रूव टू बी अ वेरी गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एज वेल। जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं और खाद वगैरह डालते हैं तो प्लांट्स को बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं लेकिन जो कैल्शियम है वो प्लांट्स को बहुत कम मिलता है। तो इस प्लांट्स में जो कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए अगर आप ये बनाना पील्स का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है अगर अपने प्लांट्स को दें तो जो इसके लीव्स का कलर बहुत अच्छा आएगा और प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इसका प्रोसेस ये रहेगा कि आप एक जार लीजिए, कोई भी ग्लास जार या प्लास्टिक जार लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए और उस जार में फिर आप कुछ केले के छिलके डालिए एंड उसको आप एक हफ्ते तक रहने दीजिए। तो एक हफ्ते के बाद अगर आप देखेंगे जो पानी का कलर है वो थोड़ा सा कालेपन पे आ जाएगा, उस टाइम पे आप उस पानी को छानिए और फिर अपने प्लांट्स में दीजिए तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करेगा। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, अगर आपको थोड़ा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट फर्टिलाइज़र चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें, आप केले के छिलके के छोटे छोटे पीसेस काट के आप उसे बॉइल करें, लगभग 15 से 20 मिनट तक बॉइल करें तो जो केले के छिलके कैल्शियम और जो और अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब आ जाएगी उस पानी में। फिर आप वो पानी को छान के अपने प्लांट्स में दीजिए तो ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करेगा। बनाना पील्स में मैं आपको बता दूं कि जो पोटाशियम कंटेंट रहता है वो है 42% और उसके साथ साथ इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, एंड इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन्स ए, बी, सी एंड ई। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये जो थोड़ी सी टिप्स हैं बनाना पील्स को लेके अगर आपको ये अच्छी लगी हो, हमारा ये जो वीडियो है ये आपको यूज़फुल लगा हो तो नीचे लाइक बटन दबाना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर इसी तरह की कुछ और यूज़फुल टिप्स जानने के लिए। और अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड गुड बाय।